दिल्ली में 75 जगह लगाए गए 115 फीट ऊंचा तिरंगा। केजरीवाल का मकसद सबको दिन में 2-3 बार दिखे भारत का ध्वज। केजरीवाल सरकार की नई मुहिम, दिल्ली के 75 जगह लहराएंगे 115 फीट ऊंचे तिरंगे। इस वजह से केजरीवाल सरकार ने लिया यह फैसला। 27 जनवरी दिल्ली सरकार ने राजधानी में 500 जगहों पर तिरंगा झंडा लगाने का ऐलान किया है, जिसमें से 75 जगहों पर गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 115 फुट राष्ट्रीय ध्वज फहराया। भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 75 स्थानों पर 115 फुट तिरंगा लगाया गया है। केजरीवाल ने कहा कि लोगों में देशभक्ति की भावना के लिए यह कार्य किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, आजादी के 75 साल होने पर दिल्ली में 75 जगहों पर 115 फीट ऊंचे झंडे लगाए गए हैं। हम पूरी दिल्ली में 500 जगह पर झंडे लगाएंगे। दुनिया में सिर्फ दिल्ली ऐसा शहर है जहां इतने बड़े स्तर पर इतने झंडे लगाए जा रहे हैं। इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दिल्ली का नाम दर्ज होगा, जिस पर सभी दिल्ली वासियों को गर्व का एहसास होगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 500 स्थानों पर झंडे लगाने का हमारा उद्देश्य है कि हर कोई दिन में 2-3 बार झंडा देखे। जिंदगी के रोज के कामकाजों में उलझकर कभी कभी हम अपने देश और समाज को भूल जाते हैं। ऐसे में ये झंडे हमारे अंदर देशभक्ति की भावना भरने का काम करेंगे। आजादी के 75वें साल में राजधानी में गुरुवार को 75 अलग अलग जगहों पर तिरंगे लहराए जाएंगे। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। बताते चले कि सरकार ने तिरंगा झंडा लगवाने का काम बीते साल ही शुरू कर दिया था। आगामी अगस्त तक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कई जगहों पर झंडे लग जाएंगे। दिल्ली वालों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए ये तिरंगे दिल्ली भर में लगवाए जा रहे हैं। वर्तमान में दिल्ली में नई दिल्ली, कालकाजी, पड़पड़गंज, शकूर बस्ती विधानसभा समेत कुल 5 जगहों पर ये झंडे पहले ही लगाए जा चुके हैं। अब 27 जनवरी को 75 और तिरंगे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लहराए जाएंगे। इससे पहले भी सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दिल्ली के सभी सरकारी दफ्तरों में किसी नेता की नहीं बल्कि शहीद भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फोटो लगाई जाएगी। इसी संदर्भ में अगले ही दिन आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो शेयर करते हुए सबसे पहले अपने विधायक कार्यालय में इस बात पर अमल किया है। उन्होंने अपने यहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह की फोटो लगाई है। उन्होंने कहा कि यह सभी के प्रेरणा स्रोत हैं। हम उनके सपनों का भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए देशहित न्यूज़। धन्यवाद।